नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में फेसबुक के पक्षपात को लेकर लगे आरोपों पर कंपनी के जरिए उठाए गए कदमों पर जानकारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। पिछले 15 महीनों में ये दूसरी बार है जब कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र लिखा है। कांग्रेस का दावा है कि जुकरबर्ग की भारतीय टीम के जरिए स्वेच्छा से व्हाट्सएप को हेट स्पीच और भारत की सामाजिक समरसता को तोड़ने की अनुमति दी गई है। जुकरबर्ग को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें बताएं कि आपकी कंपनी इन मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठा रही है। हम इस मामले को लेकर भारत में विधायी और न्यायिक कार्रवाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक विदेशी कंपनी अपनी निजी फायदे के लिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाना जारी नहीं रख सके। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 40 करोड़ भारतीयों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्हाट्सएप को परोक्ष रूप से बीजेपी की तरफ से नियंत्रित किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का व्हाट्सएप पर नियंत्रण है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप भारत में पेमेंट सेवा शुरू करना चाहता है, इसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी ज़रूरी है। इस तरह से व्हाट्सएप पर बीजेपी का नियंत्रण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।